पीछे कोई वीआईपी आया हुआ है आज भाई साहब, देख लो एम्बुलेंस वीआईपी भी आया हुआ था वैसे पीछे यार, लेकिन एम्बुलेंस। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह फ्रेश होके निकल चुका हूँ मैं, 6:15। तो यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर है टेंपल। तो भाई सुबह सुबह नंबर लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं नंबर लगेगा, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो अभी 1 घंटे में पहुँचूँगा 7 बजे, और वो जो रात को लड़का मिला था मुझे, तो उसको मैं कॉल करूँगा, उसके साथ जाएंगे दोनों जने। तो सीन ऐसा है कि देखते हैं 7 बजे लाइन में लगेंगे, 3-4 घंटा तो लगेगा क्योंकि भीड़ काफ़ी, संक्रांति थी इसलिए। तो चलो देखते हैं, अभी जो दुकानें वुकानें सारी बंद है, तो आगे जाके कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो चाय पाई नाश्ता जो भी है वो करेंगे। ये वो गली है भाई, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर और आधा किलोमीटर रह गया। तो ये यार गलियों वलियों से रात को लेके आया था वो लड़का, पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये देखो ये पूरी का एरिया है भैया, तो यहीं से जाना पड़ेगा गली गलियों से। भाई भूख लगने लग गई है, चलते आगे कुछ मिलता था खाते हैं, ये तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा 2-3 घंटे, कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लोग उठ रहे हैं अभी आस्ते आस्ते। अभी जो जगन्नाथ पुरी है खाने के लिए भी बहुत फेमस है मैंने सुना है, तो अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, जब दर्शन करके वापस आऊँगा फिर दिखाऊँगा आपको, देखना कितना कुछ मिलता है भाई यहाँ पे वैरायटी खाने की। भाई साहब बहुत वैरायटी है, रात को मैंने देखा था ना, अब सुबह दोपहर को जो आऊँगा या जब भी 10-11-12 बजे तो आपको दिखाऊँगा क्या क्या। फाइनली आ गया मैं मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में, लेकिन दर्शन होते बिल्कुल आगे से और आधा किलोमीटर आगे। तो ये देख सकते हो भाई सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर जी का, यहाँ से आगे मुड़ के जाना पड़ेगा मेरे को। पीली सिर्फ चाय पी है, और सुनने में आया है कि अभी भी भीड़ नहीं है, रात के टाइम भीड़ बहुत होती है, तो फटाफट चले, इस बार दर्शन जल्दी हो जाएंगे, अभी 1 घंटे में ही हो जाएंगे। यहाँ पे कोई लॉकर है, शूज़ और फ़ोन जमा करवाऊँगा ऑब्वियसली। ये देख लो दर्शन दूर से कर लो, क्योंकि आपको पता है अंदर तो फ़ोन अलाउड होता नहीं है, तो इसीलिए फटाफट फ़ोन और शूज़ वगैरह जमा करा के दर्शन वर्शन करके आके फिर आपको यहाँ पूरी की दिखाता हूँ, पूरा पूरी पूरी को पूरा तरीके से पूरी दिखाऊंगा आपको, बाज़ार वगैरह, और फिर यहाँ से निकलेंगे आज, आप देखते हैं क्या होता है। तो चलें जी, ये एंट्री गेट है जी। फाइनल दर्शन करके आ चुका हूँ मैं, 1.25 घंटे में दर्शन हो गया, 7 बजे अंदर गया था, 8:15 बजे बाहर आया। तो सुबह सुबह दर्शन करने का फ़ायदा है कि भाई भीड़ इतनी नहीं होती, लेकिन अब इतनी भीड़ हो चुकी है कि भाई 2-3 घंटे से पहले नंबर लगेगा नहीं। तो जब मैं गया था तब भी भीड़ बहुत थी। तो जगन्नाथ जो अंदर मूर्ति स्थापित हुई है उसका सेम रेप्लिका जो है वो बाहर है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, सेम उसका ही बाहर बना के एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे भी रखा हुआ है, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ ये जो गेट है यहाँ से सिर्फ लोकल लोग जा सकते हैं। तो ये है जी, ये जगन्नाथ जी की 3 मूर्तियां हैं अंदर। चले जी, चल करके आया तो देखा यहाँ भीड़ बहुत लगी हुई है, तो पता नहीं क्या मिल रहा नाश्ता, जरा हम भी करें नाश्ता, देखते हैं क्या चीज़ है। और काफ़ी लोग कर रहे हैं यार, देखो भीड़ लगी हुई काफ़ी, पूछते क्या चीज़ है, लाइन लगना पड़ेगा, कहाँ से लगे यार। चाचा थोड़ा देखना, ये ऐसा कुछ मिल रहा है भाई साहब, देखो बहुत भीड़ है, जरा हम भी खा ही लेते हैं। भैया कितने का एक प्लेट दे दो, एक प्लेट, तो ये प्लेट 30 रुपये का भाई साहब, देना एक प्लेट भैया। भाई साहब उसके बाद भीड़ बहुत है यार, ले ही नहीं रहा, ऑर्डर नहीं ले रहा है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पूरी में तो सब खाने पीने का ही है सारा एरिया, तो यहाँ से ऐसे ही मुझे आगे जाना है गुरुद्वारे के पास। तो यहाँ समुंदर बीच भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको, और आगे जाके खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा बढ़िया यार। चलते हैं, यहाँ से जाना है सीधा मुझे, हाँ थोड़ा आगे आ चुका हूँ भाई, तो यहाँ देखते हैं ना, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भीड़ भी नहीं है, और चीज़ तो ऑलमोस्ट सेम, ये भी वही लग रहा है मुझे खाने वाली, देखे जरा क्या है, ये कुछ हो रही है यार। गरम गरम बन रहा है देखो भाई साहब,
कितने खाए नहीं भाई, इसलिए थोड़ा टेस्ट करके बता देते हैं। ये इडली को पूरा पानी में भिगा हुआ है, तरी में। ए हो, थोड़ा अलग सा ही है, यूनिक सा टेस्ट है भाई। भैया इसको क्या बोलते हैं, इडली और वड़ा? नहीं नहीं वो तो ठीक है, पूरा प्लेट को सांभर तुम्हारे क्या है, सांभर चटनी इडली वड़ा। अच्छा, इडली बड़ा और वो सांभर के साथ वो मिक्स नहीं है, उसका कोई अलग से नाम नहीं है उसका। चले जी, हल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया, अब आगे जाएं, देखें क्या है और खाने वाला। और निकल रहा हूँ मैं गुरुद्वारे की तरफ, जहाँ रुका हुआ हूँ। तो जी, बाल कटवाने आ गया मैं, बाल थोड़े काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं साइडों से, तो थोड़ा सा कटवाते हैं फिर चलते हैं। कटिंग वटिंग हो गई है, ज़बरदस्त कटिंग कर दी है इसने, 100 रुपये लिए, 50 रुपये कटिंग के थे। मसाज वसाज कर दिया सिर, और मूछ वगैरह सेट कर दी, आईब्रोज भी सेट कर दी, तो 100 रुपये लिए, तो बढ़िया है। अच्छे छोटे दुकान में अच्छी, जैसे मैं चाहता था वैसी कटिंग हो गई है। चलें, अब मार्केट वार्केटिंग खुल गई है, तो आगे फिर गुरुद्वारे के जस्ट अपोजिट बीच है, वो बीच घूमते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। क्या करें, यहाँ पर मीठा पान बन रहा है। मीठा पान कितने का? 10 का? 5 का? 10 का बना दो। अच्छा, तो एक मीठा पान खाते हैं, काफ़ी दिन हो गए। अपना पान, मीठा पान 10 रुपये का। चल बस, इसमें सौंफ वो के अलावा इलायची वलायची कुछ नहीं डाला, ठीक है। तो जी, पान तो खाया, बकवास पान है यार, क्या यार, उड़ीसा में ना खाना अच्छा मिला ना पान अच्छा मिला, सिर्फ सुपारी सुपारी है, ये देखो मीठा है ही नहीं बिल्कुल यार, बेकार। आ चुका हूँ मैं आगे सी बीच में, ये सी बीच पूरा वहाँ से शुरू होता है, जगन्नाथ से लेके आगे तक, आगे पता नहीं 2-4 किलोमीटर तक, लेकिन मेरा गुरुद्वारा जस्ट इसके पीछे है। तो बड़े बड़े होटल है, ये देखो जस्ट इसके पीछे लाइट हाउस है, लाइट हाउस के पीछे है मेरा गुरुद्वारा। तो देखते हैं क्या है, चाय वाय भी पी लेंगे, काफ़ी लोग आ रखे हैं भाई साहब। ये देखो भाई, चलो थोड़ा आगे चलते हैं जहाँ भीड़ है। धूप थोड़ी कम है, लाइटिंग इतनी है नहीं यार। भैया पिछले 3 महीने में 4 महीनों में बीच पता नहीं कितने तो बीच देख लिए यार, 10-15 बीच तो देख ही लिए होंगे। सही है भाई, चलते हैं थोड़ा आगे तक वॉक करते हुए। ले भाई, वहाँ फोटो शूट हो रहा है, लोग पानी में ऊपर नहा रहे हैं, मजे क्राउड है भाई नहाने वाला। मैं भैया समुद्र में इसलिए नहीं नहाता कि फिर जाके दोबारा एक बार नहाना पड़ेगा, कपड़े वपड़े सामान वामान कहाँ रखूँगा, यहाँ पर 2 आदमी होते, एक आदमी सामान रख ले तो एक आदमी नहा ले, तो लेकिन 2 आदमी है नहीं हम, इसलिए बीच बीच भी देख लिया, जाते चाय वाय पीते हैं बीच साइड में बैठ के, फिर वहाँ से चलते हैं अपना सामान वामान लेके सीधा, थोड़ा पूरी में खाएंगे पियेंगे। फिर फाइनली मैं निकल चुका हूँ पैक वैक करके अपने गुरुद्वारे से, 11 बज गए हैं, तो 1 किलोमीटर है जगन्नाथपुरी मंदिर, फिर वहाँ से आगे जाके निकलना पड़ेगा, भुवनेश्वर के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जगन्नाथ तो हो गया। साइकिल ठीक करवाना है यार, ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो देखते कोई बड़ी दुकान आएगी तो बोतल होल्डर भी लगवाना है, साइकिल डिस्क ब्रेक वगैरह भी लगानी है, क्लच भी लगवाना है, काफ़ी काम है तो करवाना, देखते हैं। भूख भी लग रही है, अब जाके आगे कुछ खाएंगे। ये देखो मंदिर का वो है, और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं भाई, ये रास्ता बना हुआ है, तो जा रहे हैं जी जगन्नाथपुरी जी को बाय बाय करके। आगे यहाँ से लेफ्ट लूँगा तो मार्केट आएगी, तो मार्केट में घूमते हैं कुछ, ब्रेक ब्रेक है नहीं, बड़ा चलाना रिस्की हो रहा है, ये भी कुछ बाजार था, तो कुछ खाएं पिएं और फिर निकले आगे पुरी को बाय करके। पुरी का एरिया है ये, मेरे पीछे कोई वीआईपी आया हुआ है आज भाई साहब, देख लो एम्बुलेंस, वीआईपी भी आया हुआ था वैसे पीछे यार,
लेकिन एम्बुलेंस वाला निकल गया। देखो भाई साहब कितनी भीड़ है भाई। जैसे ही आगे निकला, एक साइकिल की दुकान थी तो यहाँ पे साइकिल लगा दी है, डिस्क ब्रेक वगैरह कसवा लेते हैं, ऑयल वॉयल करके सर्विस करवा लेते हैं थोड़ी साइकिल। बाकी बोतल होल्डर तो इनके पास भी नहीं मिला यार। ये साइकिलें लगी हुई हैं सारी, बोतल होल्डर तो मिला ही नहीं इनके पास भी। ओ जी निकल पड़ा हूँ मैं पूरी से, तो थैंक यू का बोर्ड आ चुका है। चलें जी निकल पड़ा हूँ भुवनेश्वर के लिए। थैंक यू, विजिट अगेन। चलो जी कर दिया थैंक यू। भुवनेश्वर रह गया 30 किलोमीटर, तो वॉशरूम करने आया था रिलायंस के पेट्रोल पंप में, और साथ में यहाँ चाय की दुकान भी है, चाय वाय पी लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो ये कुछ दुकान है साथ में, तो चाय मिलती है शायद यहाँ पर। भाई क्या है, चाहिए क्या है? हेलो चाय कॉफ़ी है? हेलो ए पंकज बा, कितने की कॉफ़ी? ग्लास मां पकड़ो कि बाहर तो आकर खाओ। कॉफ़ी कॉफ़ी हाँ दे दो। तो 12 रुपये की कॉफ़ी है, अफोर्डेबल कॉफ़ी है, पीते हैं। तो ये तो जी आगे जी अपनी कॉफ़ी 12 रुपये वाली। बैठने के लिए जगह है नहीं, बैठने के लिए साइड में पैराफीट बने हुए, यहीं बैठते हैं। जैसे मैं भुवनेश्वर के लिए पहुंचने वाला था तो एक भाई मिल गया मुझे पल्सर लेके, ये भाई, तो बोलने लगा भैया आपको फूड ऑफर करता हूँ, तो पता नहीं कुछ खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बापुन। पापुन? बापुन। बापुन क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो। किसमें? आईटीआई कर रहे हो? ठीक है ठीक है। तो भाई आईटीआई कर रहे हैं, इसने फूड ऑफर किया, ये समोसा मोसा जो है वो खाते हैं। अभी खाई गया ना जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। वही खाई गया एक पीस तो खाओ आप, और एक तो खाओ, तुम खाओ यार एक पीस उठाओ, ये वाला उठाओ, तुम खिलाओ एक एक एक, हाँ उठाओ खाओ तुम एक दो, लो ना आप लो ना यार, ये पूरा उठाओ ना भाई तुम खाओ। देख भाई कितना शर्मा आ रहा है यार, खा ही नहीं रहा। खा भाई खा भाई यार, खा ही नहीं रहा। ये क्या कर दो? ये आलू की सब्जी है और भाई को रहने दे, उसके बदले दो समोसे दे दो, दो समोसे पैक कर दो उसके बदले, ये नहीं ये रहने दो, बच्चे लोग खाते हैं। दे दो पानी है, पानी है, पानी है। थैंक यू भाई बाबुन, थैंक यू भाई भाई बाबुन ना बापुन बापुन, थैंक यू सो मच बापुन। बापुन ने ये खिलाया देखो समोसे ना भाई, आपने सब्जी यात्रा किया ना इसलिए। चलो जी खाना पीना हो गया तो मज़े से पेट भर गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ भाई तुम्हारा बापुन, बापुन बापुन भाई का थैंक यू सो मच। रोड क्रॉस करके चलते हैं भाई अब भुवनेश्वर की तरफ। भाई साहब आज भी 8 बज गए, भुवनेश्वर सिटी में आ चुका हूँ और गुरुद्वारा ढूंढ रहा हूँ, अभी 3-4 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप, देखते हैं यार क्या होता है यार। उड़ीसा में एक्चुअली थोड़ा सा आगे आके गुरुद्वारे में नहीं गया, पेट्रोल पंप में यहाँ जगह मिल गई मुझे, वैसे बहुत बिजी पेट्रोल पंप था, फिर भी यहाँ साइड में इसके नीचे यहाँ पे टेंट लगा के मैं रुक जाऊँगा, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके हो गया। तो फ़ोन बहुत चार्ज करते हैं भाई, आज का सफ़र ऐसे ही था, मिलते हैं कल भुवनेश्वर सिटी घूमते हैं।